हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कॉर्न करी, कॉर्न करी मसाले वाली। और ये देखिए, इसके लिए मैंने एक कप कॉर्न लिया है। इसको मैंने जो मार्केट में भुट्टा मिलता है, देसी भुट्टा, जिसमें ये छोटे छोटे दाने होते हैं और एकदम मुलायम दाने वाला भुट्टा मैंने लिया था, एकदम सॉफ्ट। और इसको मैंने प्रेशर कुकर में पका लिया है, 2 से 3 सीटी दिलवा दिया। तो और अब ये देख सकते हैं अभी कितना सॉफ्ट हो गया है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट हो गया है। और ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है, जो घर में दूध में मलाई निकलती है, ये वही क्रीम है। और ये एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, और ये 1-2 चम्मच मैंने दही लिया है, और एक ये मीडियम साइज का प्याज, और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और एक हरी मिर्च लिया है। इसमें मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसमें मैं केवल एक ही यही मिर्च डालूँगी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, बच्चों को तीखा कम पसंद आता है। और ये मैं 4 से 5 के लिए लहसुन का लिया है। पहले हम क्या करेंगे कि अदरक, लहसुन और ये एक मिर्च और ये प्याज, सबको ग्राइंड कर ले रहे हैं। और इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा, जीरा को भी मैं इसके साथ ही पीसूंगी। पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी, ये मैं दिखा दूं आपको, ये 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और ये थोड़ी सी हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, इसमें मैं ये थोड़ा सा नमक। तो इसे जो है प्रेशर कुकर में अच्छे से उबाल लेना है, 3 से 4 सीटी दिलवा देनी है, तो ये अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए, मैंने ये प्याज का पेस्ट बना लिया, इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ये देखिए, ये मैंने दरदरा पेस्ट ही बनाया है, इसको बहुत महीन नहीं रखना है। और ये मैंने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है, और इसे एकदम महीन पेस्ट बनाया है मैंने। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये देखिए, मैंने गैस को ऑन कर दिया है, और इस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है। अभी ये हाई फ्लेम पे ही है। इसे बनाने के लिए मैं इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। ये मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है, और अभी भी इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये पेस्ट ऐड करना है। ये देखिए, इसको अच्छे से ब्राउन भून लेना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, ये रेसिपी बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ये जो देसी भुट्टा होता है, बस इसी का मैंने बनाया है। ये बहुत ही मुलायम भुट्टा मैं मार्केट से ले आई थी, जो कि एकदम सॉफ्ट उसके दाने थे। ये ध्यान रखना है आपको कि जो आप मार्केट से भुट्टा ले आए हैं वो एकदम सॉफ्ट हो, उसके दाने एकदम सॉफ्ट हो, तभी उसका टेस्ट अच्छा लगता है करी में।
ये दाने कड़े होते हैं, वो जल्दी पकते नहीं हैं। वैसे तो मार्केट में भी अवेलेबल है वो सब्जी के लिए, जो करी के लिए कॉर्न आते हैं, जो होटल वगैरह में बनते हैं, रेस्टोरेंट में, मॉल में जो मिलते हैं, तो वो तो बहुत जल्दी ही पक जाते हैं। तो उसके लिए अब वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने यही किया है क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसके मुलायम दाने वालों को अलग कर लेती हूँ। फिर उसका मैं देखिए ये ब्राउन हो गया, अभी मैं गैस फ्लेम को लो कर देती हूँ। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर प्यूरी, और इसमें ये सारे मसाले मैं ऐड कर दूंगी। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें लाल मिर्च यूज कर सकते हैं। अब मैं गैस फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिए, और आप जो मैंने फ्रेश मलाई ली है, जो घर में दूध आता है उसी से मैंने वो मलाई निकाल के ली है। मैं इसको चम्मच से थोड़ा सा इसको फेंट लेती हूँ। ये देखिए मसाले भुन गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है अभी इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे दही, 2 चम्मच मैंने लिया था। मैंने गैस के फ्लेम को लो ही रखा है और अब इसमें हम ये मलाई ऐड कर देंगे। मैं गैस फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ये देख सकते हैं, ये देखिए। आप इसकी करी को अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखूंगी। अब इसमें हम ये कॉर्न डालते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अभी इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप पानी। ये देखिए मैंने इसमें ये पानी मैंने वही इस्तेमाल किया जो जैसे इस कटोरी में है, मिक्सी जार में है, वो जो टमाटो का पेस्ट लगा हुआ था वो सब मैंने थोड़ा सा पानी से धुल के वही सब मैंने इस्तेमाल कर लिया, उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसमें मैं 1.5 कप पानी डाला है। अब अपने हिसाब से इसको पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट पका लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको पका के। इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। Thank you.